सो गाइस, अगर आप भी एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हो और आप चाहते हो अपने एंड्रॉइड फोन में आईफोन के इमोजीज को यूज करना, जिससे कि आप किसी को भी इमोजी सेंड करते हो या फिर आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर इमोजीज का यूज करते हो, तो वो देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। और ये सारे इमोजीज आप किसी भी एंड्रॉइड फोन में ला सकते हैं और उसके लिए आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर आईफोन के इमोजीज को ला सकते हैं, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो शुरू करते हैं। So guys, सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल के नॉर्मल इमोजीज को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभी नॉर्मल इमोजीज हैं, जो कि सभी के फोन में होते हैं। अब इन एंड्रॉइड इमोजीज को आईफोन इमोजीज में बदलने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में थीम्स ऐप को ओपन कर लेना है और सारे एंड्रॉइड फोन में ये ऐप मिल जाएगा, या फिर किसी किसी फोन में अलग अलग थीम स्टोर होंगी, तो उसको सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। और अगर आपको थीम्स ऐप ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सिंपली होम स्क्रीन पर आ जाना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको एक वॉलपेपर का आइकन शो हो रहा होगा, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी थीम्स ऐप ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद आपको नीचे एक फॉन्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है iOS इमोजी। इतना सर्च करने के बाद यहाँ पर एक जॉय पिक्स इमोजीज पर क्लिक करना है। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इसके नेम से भी इसको सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा दो तीन और इमोजीज को बताने वाला हूँ, तो एक एक अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर फॉन्ट्स के ऑप्शन पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जॉय पिक्स इमोजीज इस वाले फॉन्ट्स को आपको सर्च कर लेना है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, तो इसके बाद देखते हैं इमोजीज वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। तो सिंपली यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमोजीज 100% वर्क कर रहे हैं और ये सारे इमोजीज देखने में भी काफी ज्यादा कूल है, तो आप इन इमोजीज को भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इमोजीज को देखते हैं, जिसका नेम है iOS 15.5। तो आपको इसे सर्च कर लेना है, फिर उसके बाद इस पर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर ये वाला फॉन्ट भी अप्लाई हो चुका है, तो देखते हैं ये फॉन्ट वर्क करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको इमोजीज ब्लॉड देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर फॉन्ट भी ब्लॉड हो चुके हैं, तो ये वाला इमोजीज आपको नॉर्मली देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद हम तीसरे फॉन्ट को देखते हैं, जिसका नेम है 15.4 इमोजी 2022। तो सिंपली आपको इस इमोजीज को सर्च कर लेना है, सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर ये इमोजी अप्लाई हो चुका है, तो हम ये वाले इमोजीज भी देख लेते हैं एंड यहाँ पर ये वाले इमोजीज भी 100% वर्क कर रहे हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। और ये सारे इमोजीज इंस्टाग्राम पर भी 100% वर्क करेंगे एंड यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये इमोजीज इंस्टाग्राम पर भी वर्क कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।